भले ही हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जमीन रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर की शुरुआत कर दी हो, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रियां शुरू कर दी हैं, लेकिन नई रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम सरकारी विभाग और जनता दोनों को रास नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री करवाने को लेकर उन्हें ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि तहसील और कमेटी के बीच में तालमेल नहीं है और जो रजिस्ट्री करने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर सिस्टम किया है वो काम नहीं आ रहा, जिस वजह से उन्हें कभी तहसील और कभी कमेटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए अम्बाला से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए लोकेश दत्त मेहता की यह रिपोर्ट। तो यहाँ रजिस्ट्री की दिक्कत ये आ रही है, आई तो इन्होंने आईडी बंद कर दी है, आईडी से लिंक करा है रजिस्ट्री को, रजिस्ट्री ओपन करी नहीं है और अखबार में लिख दिया रजिस्ट्री ओपन कर दी गई है और एक परेशानी इतनी आ रही है, वहाँ जाऊँ वो कह रहे हैं अभी हमें सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा चल रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं पिछले तकरीबन 1.5 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, सरकार ने रजिस्ट्रियाँ बंद की थी, ना तो सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, ना तो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ना कोई आईडी मिल रही है, बहुत परेशान है जी। रजिस्ट्री को लेकर दिक्कत अब ज़्यादा हो गई है, रजिस्ट्री को लेकर दिक्कत पहले से ही थी क्योंकि ये खसरा नंबरों की लिस्ट के लिस्ट को लेकर कमेटी और तहसील में आपस में तालमेल नहीं है। जो कमेटी की और इनकी लिस्ट है वो 2009 की है, आज 2020 है, आज ये दावा करते हैं हम ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कोई भी अपडेट नहीं है। 11 साल पुराने खसरा नंबरों की रजिस्ट्री होती है जो नए डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद जिन कॉलोनियों में सीवरेज, सड़कें, पानी की व्यवस्था कमेटी और तहसील की तरफ से सरकार की तरफ से कर दी गई है, उनके खसरा नंबरों को भी अनप्रूव्ड करके बाहर निकाल दिया गया है। रजिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नया सॉफ्टवेयर तो बना दिया, वो कहते हैं रजिस्ट्री हो रही है लेकिन कचहरी जब कहते हैं कि अभी सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है जी, कमेटी जाते हैं कमेटी लिए बोलते हैं कि अभी हम लिंक कर रहे हैं, अभी इन्हें बताया कब तक लिंक करें कुछ नहीं मालूम जी, दुनिया लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको जब रजिस्ट्री करने जाओ कहते हैं अभी होगी, कल होगी जी, परसों होगी, ना कोई उसी टाइम बता रहे हैं कुछ बता रहे हैं जी। आई थिंक थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर नया है जो कि पहले वाले सॉफ्टवेयर से बेटर है, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, हाँ थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि शायद उनके लिए नया सॉफ्टवेयर है तो जो जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ एक हमारी पैरेलली कम्युनिकेशन चल रहा है, एक छोटा सा इशू आ गया है कि कमेटी और शायद इसका पोर्टल अभी वो उठा नहीं रहा है लिंक, तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है, बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा और उसका शायद एक अपडेट आने वाला है जिसके बाद कोई इशू नहीं होगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।